गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीन यू एंड गप्पू पहाड़ी ब्लॉगर चैनल। सो आपका चैनल में स्वागत है। और मॉर्निंग हो गई है, जिम एक्सरसाइज वगैरह हो गई है सारी, और सीन यू की शरारतें एज कंटिन्यू एज ऑलवेज। और आज हम सोच रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ करके दिखाएं जो अभी तक आपने हमारे ब्लॉग्स में नहीं देखा है। और प्रोग्राम ये है कि दीपू ने कुछ टास्क सेट किया है मेरे लिए, और बड़ी बेसब्री से सुबह से वेट कर रही है कि कब ये नहा के आए, कब इसको टास्क दिया जाए। तो उस टास्क की तैयारी पूरी चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं वो क्या टास्क है और कैसे उस चैलेंज में मुझे फंसाया जा रहा है ज़बरदस्ती का। और ये दिखाने के लिए कि व्लॉग में दिखाएंगे और आपके लिए टास्क है, आप कंप्लीट करके दिखाओ। और लेकिन अल्टीमेटली आफत मेरी जान को आ रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। सो देखिए, आज का टास्क है, आज एक पीछे पड़ गई है, मैगी बनाओ और सबको मैगी बना के दिखाओ। और ये इसके चक्कर में अपना उल्लू सीधा कर रही है और कुछ नहीं कर रही। मैगी बना के दिखाएंगे, आज ब्रेकफास्ट में मैगी बन रही है। और उसके लिए क्या क्या डालोगे मैगी में, दिखाओ। मेरा ये बस दिखाने दे, दिखाओ क्या क्या डालोगे। मेरा बस चले तो मैं बहुत कुछ डाल दूं, पर अभी मैगी डालनी है। मैगी में डालेगा कैप्सिकम, कैरेट, टमाटो, अनियन। तो आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, बहुत चटपटा होने वाला है मैगी की तरह। ये मैगी आज मैं इसको सिखा रहा हूँ पहाड़ी स्टाइल में बनाना। पहाड़ी स्टाइल में कैसे बनती है ये वाली मैगी? हम जब गांव जाते हैं ना, पहाड़ों में कहीं जाते हैं, वहाँ रास्तों में बहुत ज्यादा मैगी पॉइंट मिलते हैं। वहाँ ऐसी उबाल उबल के बॉइल करते हैं, सीधा सब्जियाँ और मैगी को डाल के बॉइल कर देते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, वो बहुत टेस्टी भी लगती है। टमाटो डालेगा मैं। गाइस, ये मैगी ध्यान से देख लीजिए, ये आगे आपको बहुत फायदा करने वाली है। वैसे मुझे 8-10 तरीके की मैगी बनानी आती है। 8-10? क्योंकि देखो मैं आपको थोड़े से 8-10 पैकेट या 8-10 टाइप की। सुन, तेरे को खाना बनाना किसने सिखाया? इसको कुछ भी नहीं आता था शादी के बाद, सब कुछ मैंने सिखाया। और अभी मैगी मैं इस तरीके की बनाना दिखा रहा हूँ। देखो अभी जो हम दिखा रहे हैं पहाड़ी स्टाइल की, अदरवाइज मैं जो बनाता हूँ पहले सब्जी की स्टाइल में सब कुछ छौंका लगा लेता हूँ, फिर उसमें मैगी डालता हूँ, फिर उसको छौंकता हूँ, फिर ऊपर से मसाले डालता हूँ, वो अलग स्टाइल से बनाता हूँ। बढ़िया कि मैं बिजी इतना रहता हूँ कि मेरे को टाइम लगता नहीं इन चीज़ों के लिए। लेकिन ठीक है, चलो आज इसने डिमांड करी है कि अपना पहाड़ी स्टाइल में मैगी सिखाओ मुझे, तो ये डिमांड भी इसकी पूरी कर देते हैं। इसको सिखाते हैं मैगी, देखते रहिए। सो सबसे पहले हमने मैगी तोड़ तोड़ के यहाँ पे डाल दी है, ये देखिए। अब इसके बाद पानी में हम ये इसके जो मैगी मसाला है वो डालेंगे। मैगी मसाले के बाद इसमें हम जो हमने सब्जियाँ कट करके रखी हुई हैं ये डालेंगे, और उसके बाद इसको फुल उबालेंगे। और उबाल के इसको जो खाएंगे लप 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 लप, वाव, इतना जबरदस्त होने वाला है। कीप वॉचिंग, आपको दिखाते रहेंगे। सुनो, आपको पता है डैड क्या बना रहे हैं आपके लिए? क्या? और डैड कैसा बनाते हैं आपको पता है? कैसा? को बहुत पसंद है डेट के आपका। और मम्मा कैसे बनाती है? मुंह देखा ऐसे और सड़ा लो मुंह। मम्मा कैसे बनाती है बताइए, बताओ मम्मा कैसे बनाती है? दोनों अच्छा बनाते हैं। ज्यादा अच्छा कौन बनाता है? डैड जी तो बहुत अच्छे हैं ना। अब आपको खिलाएंगे पहाड़ी मैगी, देखते रहिए। तो अभी ये है कि मैगी में हमने मसाला भी डाल दिया है, और अब सब्जी डालने की तैयारी है। हमने चलो अब इसमें सब्जी डाली जाएगी। डालो डालो, सब सिखा दूंगा यार, तेरे को टेंशन मत ले। शेफ बना के छोड़ूंगा तेरे को मैं जबरदस्त। 12 साल से तो बन नहीं पाई, अब क्या बनेगी। सब्जियां डल चुकी हैं, अब इसको जबरदस्त तरीके से उबाला जाएगा, और जब ये उबलेगी और उसके बाद जो अपना स्वाद छोड़ेगी, बेहतरीन जबरदस्त होने वाला है। तो मुझे नहीं पता ये कौन से एडवर्टीजमेंट में और कौन कौन से लोग ये बोलते आते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनती है। यार 2 मिनट में तो सब्जी भी नहीं कटती है इसके अंदर डालने वाली, और 2 मिनट में इसका पैकेट फट के पानी में इसको गोला भी नहीं जाता। कहते हैं 2 मिनट में मैगी बनती है, भाई 2 मिनट में बना के दिखाओ बस। की तो 2 मिनट बाजू लौत फरकी रहे तुम्हारे, और तुम खाचा मैगी खिलानो तुमको जाग मैगी। तो देखिए गाइस, हमारी मैगी रेडी है, अब चक्के बताएंगे, इसको टेस्ट करेंगे कैसी है, कैसी बनी है करके। ओके, बनाई मैंने तो बढ़िया ही बनेगी यार। टेस्ट करो, वो मैं बताऊंगी ना टेस्ट करके कैसी है। खुद तो भाई अच्छी बोलोगे उसको। गरम गरम मुझल गया। अमेजिंग। कुछ एक चीज ज्यादा और 2 चीज कम है, बट अमेजिंग। क्या ज्यादा है इसमें? इसमें अरे अल्टीमेट है, अल्टीमेट। जो खाएगा खाता रह जाएगा,
चलो इसको चेक करके हम बताते हैं कैसी बनी है। फाइनली सज गई है और टेस्ट करने के लिए दीपू बैठ गई है और ये बताएगी कि टेस्ट करने में कैसी हो रही है और इसने पक्का कमियां तो निकालनी है। कैसी हो रही है देखा? मस्त है। बता रहा हूँ तेरे को, सेवा किया कर मेरी और चीजें भी सिखाऊंगा तुझे आगे जाके। मैं दोबारा बोलो मेरी बेटी कितनी समझदार है। कल छुट्टी है ना? कल मेरी छुट्टी होगी। डैड की भी है, कल क्या खिलाओगे मुझे डैड को? कल तो मेरी छुट्टी है। अब सीनू बताएगी कैसा है। देखो सीनू बताओ जरा एक बार टेस्ट करके बताओ कैसा है। गमम करो जल्दी बता बिजली रानी। कैसा हो रहा है? कैसा है बेटा? अरे बोल दे मोटू रानी जल्दी बताओ, फ्रेंड्स को वेट कर रहे हैं सब। अच्छा है। मेरी बेटी कहाँ ले जाओ गुदी उठा के? आपको परेशान कर रहे भैया? So guys, जो मुझे मैगी खाना इतना भारी पड़ गया कि मुझे भी एक टास्क मिला है दिन में, मेरे को भी कुछ बनाना है। तो वो सामान जो मेरे को बनाना है उसके लिए मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं था, वो मैं लेने मार्केट गई थी धूप में मेरे साथ और हाँ इस मुट्टू के साथ। मेरी क्लास छूट गई हाँ, वो सामान जो मैं लेकर आई हूँ पेशेंट के लिए, अब मैं बनाऊंगी दिन में बताऊंगी उसके पेशेंट के लिए बनाऊंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया। पेशेंट के लिए मुझे पेशेंट के लिए लाई थी, पेशेंट के लिए मैं पेशेंट पेशेंट नहीं प्रिपरेशन बोला मोटू। जब बनाऊंगी ना मैं उस टाइम बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और फिर उसके बाद बताएंगे सारे कि डैड ने अच्छा बनाया है मम्मा ने। मम्मा ने बताया कमेंट करके, सिर्फ ब्लॉग देख के चटकारे मत लेना, कमेंट करके बताना किसने बेटर बनाया। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह का, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया जो टास्क मुझे दिया था दीपू ने और अब उसको मैंने टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए, तो उसके तैयारी चल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे सारा सामान लगा लिया गया है और ये कुछ काइंड ऑफ चाइनीज आइटम मैंने इसको बोला है बनाने के लिए और ये देखिए उसके लिए तैयारी। मैगी की तरह इजी नहीं है, मैगी बच्चा बच्चा भी बना लेता है। अंधेरा अंधेरा आ रहा है यार यहाँ पे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैगी बच्चा बच्चा भी बना ले, लेकिन ये जो है बहुत मेहनत लग रही है इसमें, देखो सारा चॉप किया अच्छे से। तो ये मेहनत तो लगेगी, खाने में भी लगती है मेहनत, खाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो अब ये बन जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज बनाया है। मेरा बेटा पिटेगा? हाँ। किससे? मेरे हाथ से, मैं बेटी को डाला, मैं आपके बेटा पिटेगा इसलिए क्योंकि फ्लैट दबा के नहीं आता, मेरा नंगा नहीं करना। सो फाइनली मंचूरियन और फ्राइड राइस आज बनाए हमने, जो टास्क मैंने दिया था दीपू को उसे फाइनली बना दिया। अब मैं इसे टेस्ट करूंगा फिर बताऊंगा कैसा है। टेस्ट करता हूँ। मैगी अच्छी थी कि ये? मैगी तो बच्चा भी बना लेता दो मिनट में। अब हाथ वही जा रहा है बार बार। देखा हमने दोनों ने टास्क एक ही, हम दोनों को टास्क मिले, हमने अपने टास्क कंप्लीट करे। तो अगर आपको जो टास्क अच्छा लगा, जिसका बेटर लगा, उसके लिए आप कमेंट करें किसका बेटर लगा। और ऐसे ही न्यू टास्क और सीनू की नॉटीनेस ये सब आपके सामने लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और पुराना है तो कमेंट जरूर करें कि आपको ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, अगर जो आपको पसंद नहीं है तो भी कमेंट करें। तो गुड नाइट, टेक केयर, सब्बा बाय। शुरू क्या कहते हैं? सब्बा बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट।